हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये फ्रूट ब्यूटीफुल फ्रॉक कटिंग करेंगे। 3 साल बच्ची के लिए कटिंग करते हैं। ये मैंने लिया 2 कपड़ा, एक वाइट एक कलर में है। इसमें हम बॉडी कट करेंगे वाइट में, कलर वाले में हम गहरा कट करेंगे। फ्रेंड्स, पहले हम बॉडी कट करेंगे, पहले कपड़े हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। 2 फोल्ड में हमारा कपड़ा है। फ्रेंड्स, हमें लंबाई चाहिए 10.5 इंच तैयार, तो 1 इंच हम एक फास्ट लेंगे। 11.5 इंच में हम मार्जिन लेंगे, 2 इंच हम गला का मार्जिन करेंगे, 2.5 इंच हम शोल्डर का मार्जिन लेंगे, हाले का मार्जिन हम 5.5 इंच लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से हम चेस्ट का मार्जिन लेंगे, 6 इंच फोर में हमारा 12 इंच कटिंग रहेगा चेस्ट। उसके बाद जितना ऊपर इतना हमें इधर लेना है, और यहाँ से हमें सीधा कर लेना है हाले निशान मारने के लिए। फिर यहाँ से हम हाले का राउंड लेंगे। फ्रेंड्स, नीचे से हम हल्का सा भी नीचे से भी राउंड करेंगे, इधर से भी हम इधर से हम जितना चेस्ट हमारे नीचे से हम 1/2 इंच कम करेंगे और हल्का सा राउंड कर देंगे शेप हमारा बॉडी का। हम गला का मार्जिन करते हैं, गला हमारा 4 इंच है और लंबा 3.5 इंच है। उस मार्जिन करके सीधा कर देते हैं। यहाँ से हम गोलाई लेंगे गोल गला का, तो फिर कटिंग करते फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये हमारा बैक बॉडी दोनों कट कर तैयार है। हमारा आगे पीछे गला एक ही रहने वाला है, तो हम गहरा कट करेंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच मार्जिन लेंगे, इधर से 3.5 इंच लेंगे, यहाँ से भी 3.5 इंच है। इसे हम निशान निशान हम मिला देंगे, पहले इधर से सेफ लेंगे। इसके बाद घेरे का हमें लंबाई लेना है, घेरा हमें चाहिए 14 इंच तैयार, तो हम 1 इंच फास्ट लेंगे, 15 इंच कटिंग करेंगे। इधर भी हम 15 इंच लेंगे, फिर ऊपर और निशान से हमें 15 इंच मार्जिन करते जाना है। अब ये लाइन को हम मिला लेंगे और कटिंग करेंगे। लाइन देख रहे हो, हम कटिंग करते फिर नीचे भी हम कट कर देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा घेरा तैयार है, ये साइड में हमारा जॉइंट रहेगा। फ्रेंड्स, ये बचा हुआ कपड़ा हम पेपिंग करेंगे, 1/2 इंच पेपिंग है जो हम हाले और गले में काम आएगा। इधर हम पेपिंग लगाएंगे। फ्रेंड्स, हम अब स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम एक साइड का कंधे में सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम गले में पेपिंग निकालेंगे। फ्रेंड्स, एक साइड में सिलाई लगा लिया। अब हम उल्टा साइड से हम पेपिंग रखा हम पेपिंग कच्चा करेंगे। हमें पेपिंग हल्का सा खींच के रखना है, हल्का खींचना है, ज़्यादा नहीं, ताकि हमारे गले का गलाई बराबर आए। यहाँ से हम पेपिंग हल्का इस तरह डबल फोल्ड करके पेपिंग के हमें किनारे में सिलाई चलाना है, बाहर वाले किनारे में। फ्रेंड्स, हमें फोल्ड जितना शुरू में रखना है, इसी तरह एक सरीखा में पूरा गले में फोल्ड इतना ही रखना है। फ्रेंड्स, ये हमारा गला का पेपिंग तैयार है। और दूसरे साइड भी हम कंधे को सिलाई लगाएंगे।
एक घर का हम छोटा टाके लगा देंगे इस तरह। फिर जिस तरह हम गले में पिपिन निकाले इस तरह हम दोनों साइड में हाथ में पिपिन निकालेंगे। जैसे भी हम किनारे रख कर सिलाई लगाना है। फ्रेंड्स हम इसी तरह हम किनारे में सिलाई लगाएंगे। जिस इस तरह हम दूसरे साइड पे पेपिन निकालेंगे पहले। फ्रेंड्स हमारा हल्के हल्के पेपिन तैयार। एक हम पट्टी लगाएंगे बीच में, एक बॉल लगाएंगे नीचे से। पट्टी हम 1.5 इंच का चौड़ाई लेंगे। इसे हम सिल के हमें पल्टी करना है। फ्रेंड्स ये हमारा बो है 7 इंच लंबा और 3.5 इंच में चौड़ाई दिया। इसे इस तरह फोल्ड कर कर हमें दोनों साइड में सिलाई लगाना है। फ्रेंड्स ये हमारा बो तैयार है। अब इस तरह हमें फोल्ड कर कर हमें बीच में एक टाके लगाना है तरह। फ्रेंड्स हमारा वो भी तैयार है। इसमें हम बॉडी में हम अभी अटैच करेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा बॉडी तैयार है। ये दोनों से हम पहले हम शर्ट लगा कर और घेरे हम टच देंगे। घेरा हम दोनों साइड पहले जॉइंट करेंगे। आधा इंच मार्जिन रख के जॉइंट करना। अब फ्रेंड्स हम ये घेरा बॉडी सिलाई लगा कर फ्रेंड्स ये हमारा फ्रॉक तैयार है। अब हम नीचे आधा इंच फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। फोल्ड बराबर करना, जितना आपको शुरू में रखना है इतना पूरा पीस में रखना। ये ध्यान रहे चौड़ा पतला ना हो। इसी तरह में सिलाई लगा लेना पूरे पीस में। फ्रेंड्स ये हमारा फ्रॉक तैयार है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। बस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलो गुड बाय।